हर वायरस से मुक्ति हर प्रकार के वायरस से अपने शरीर को बचा के रखें योगासनों और प्राणायामों को करके तो यज्ञ पूर्वक योग ये यज्ञ को यानी कि हवन को जिसको हम यज्ञ पैथी कहते हैं इस यज्ञ पैथी से भी बहुत सारे रोगों का उपचार होता है वायु शुद्ध होती है और सभी प्रकार की पुष्टियाँ घी में और इन औषधियों में होती हैं वो हमें मिल जाती हैं इसीलिए वायु को पहले शुद्ध करना हवन करके उसके बाद योगासनों को प्राणायामों को रोज करने का अभ्यास करना डेली प्रैक्टिस योग की डेली प्रैक्टिस यज्ञ की हवन की डेली करने की बात है एक दिन की बात नहीं है तो रोज जब करेंगे तब जाकर के इसका कुछ फायदा होता है कभी कभी करते हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होता थोड़ा बहुत दिखता है चला जाता है भोजन पर आहार पर नियंत्रण अपने जीव पर नियंत्रण अपने आचरण अपनी वाणी पर नियंत्रण ये सब चीजें योग के अंतर्गत आती है योग एक पूरी जीवन पद्धति है केवल कुछ एक्सरसाइज या कुछ आसन या कुछ प्राणायाम मात्र नहीं है योग एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है एक आइडियल लाइफ स्टाइल है ये हवन में हम जब जड़ी बूटियां डालते हैं ना तो इनसे बहुत सारी चीजें ऐसी बनती हैं जिनकी वातावरण में बहुत जरूरत होती है जो हर प्रकार के कीटाणुओं को रोगाणुओं को मार देती है लेकिन हवन लोग करते ही नहीं है उसका महत्व ही नहीं जानते तो हवन हमें करना चाहिए रोज करना चाहिए गाय का घी कपूर और ये जड़ी बूटियों का मिश्रण ये डाल करके हवन करना चाहिए तो सबसे पहले आज हम कुछ आसनों को जान रहे हैं जिनसे हमारा हर प्रकार का वायरस हमसे दूर रहे क्योंकि हम अंदर से मजबूत बन जाएंगे तो सब प्रकार के वायरस दूर रहेंगे पहला पहला अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का हम कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास को देखते जा रहे हैं अभी हम केवल करते जाएंगे आप देखते जाइएगा ज्यादा बोलेंगे समझाएंगे नहीं जिससे कि आसानी से आप कर सके रखें श्वास पूरा भरे और पंजों के बल पूरे शरीर को टिकाएं ऊपर दृष्टि सामने नाक की सीध में आंखों को ऐसे टिका दृष्टि को टिका पूरे शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करें अपने दोनों पंजों पर और फिर धीरे-धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आएं फिर से आए फिर से श्वास पूरा भर के फिर उठाएं यज्ञ पूर्वक योग हवन करके उसी के पास में योगासन प्राणायाम किए जाए तो कुछ विशेष लाभ होता है पहली क्रिया दूसरी क्रिया में चलते हैं एक घुटने को ऊपर उठाए हाथों से ऐसे पकड़े इस घुटने को छाती से लगाए थोड़ी देर लगाने का प्रयास करें नहीं लगेगा ऐसे एकदम से तो लेकिन प्रयास जारी रखें और रोक कर रखें थोड़ी देर श्वास बाहर रोक श्वास भरते हुए वापस छोड़ फिर श्वास बाहर और दूसरे को उठाए वापस आ जाए फिर से श्वास बाहर दूसरी बार करें हर अभ्यास को दो दो बार तो कम से कम करें वैसे तो कई कई बार करना चाहिए लेकिन कम से कम दो दो बार करें जो बिगिनर्स हैं जो नए लोग हमारे साथ चैनल पर जुड़ते जाते हैं वे तो सभी लोग हर अभ्यास को दो दो बार तो अवश्य करें फिर से श्वास बाहर दूसरे पैर को दूसरे घुटने को उतारे दबा दे अगला अभ्यास कटी चक्रासन का दोनों हाथों को सामने और श्वास बाहर धीरे धीरे पीछे थोड़ी देर कमर पर पेट पर मन को टिका यज्ञ की अग्नि जलती रहे। इसके लिए पूरा ध्यान भी रखते जीवन की अग्नि भी इसी प्रकार से जगमगाती रहे इसके लिए भी रोज योगासनों को और प्राणायामों को करते रहना रोको वापस आ फिर श्वास बाहर फिर दूसरी ओर जाए फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए फिर श्वास बाहर दोनों हाथों को ऐसे लपेट देंगे पूरी तरह से पीछे अधिक से अधिक घूम जाए श्वास भरते हुए वापस आ जाए फिर श्वास बाहर दूसरी ओर ऐसे लपेट देंगे ज्यादा से ज्यादा घूमे फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए चलेंगे अग, अगला अभ्यास फिर से पैरों में फांसला बड़े से बड़ी उंगली मिला लेंगे और यहाँ छाती के पास रख लेंगे श्वास बाहर पीछे घूमे श्वास भरते वापस चलते रहे 20 से 25 बार 50 बार तक करें। ज्यादा से ज्यादा जाए ज्यादा से ज्यादा वापस आए श्वास बाहर पीछे जाए श्वास भरते हुए वापस आए करते रहें लगातार बिना रुके गाय का देशी घी देशी गाय का घी देशी गाय के घी से ही हम सबका कल्याण हो सकता है हम सबको स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है तो देशी गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए हवन में जो मोटे मोटे लोग हैं जिनकी टमी जिनको परेशान कर रही है पेट पर जमा हुआ अतिरिक्त वजन जो है वे सारा इन छोटी छोटी क्रियाओं को सौ सो, -सो दो, दो सो बार करके पेट वापस शेप में आ जाए इसको बार बार करें जिनको और ज्यादा परेशान कर रहा है कई सालों से बिल्कुल डिपॉजिट है तो इसको ले जाकर के वहां रोका करें पांच सौ फिर वापस लाया करें फिर श्वास बाहर फिर रोका करें दूसरी तरफ जितना ज्यादा जा सकते हैं उतना ज्यादा जाए पेट पर मन को टिकाएं और फिर पांच सेकंड बाद फिर आ जाए ऐसे पंद्रह पंद्रह बीस बीस बार से पचास सौ छह सौ बार करें और जिनको जल्दी जल्दी कर सकते ऐसे या ऐसे या ऐसे या, ऐसे। या, ऐसे। या पूरा ऐसे इस तरह से ऐसे अभ्यासों को लगातार करना फिर चलेंगे सूर्य नमस्कार करने के लिए तो सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहला अभ्यास दोनों पैरों को मिला करके खड़े हो जाए श्वास पूरा भर के और दूसरा अभ्यास हस्तो तानासन। पहला अभ्यास है इसको कहते हैं नमस्कार मुद्रा या प्रणाम आसन दूसरा आसन करने से पहले श्वास पूरा भर लेंगे और फिर पूरा श्वास बाहर तीन पाद पूरा श्वास भरे चार दक्षिण अश्व संचालन आसन विश्वास बाहर पर्वतास पांच विश्वास बाहर ही रहेगा छह अष्टांग आसन श्वास भरे सात भुजंग आसन फिर श्वास बाहर सात फिर से पर्वतास। फिर श्वास भरे आठ नौ वाम अश्व संचालन बाएं पैर पर बैठे लेफ्ट पर। फिर श्वास बाहर दस बाद हस्ता भर के तो बाहर ऐसे ही एक भूमि नमस्कार का अभ्यास होता है भूमि नमस्कार के अभी अभ्यास को हम देखेंगे और उसको भी करेंगे इसमें सोलह अभ्यास होते हैं इसमें बारह है। थे सात योगासन बारह क्रियाएं, लेकिन उसमें अभी सोलह क्रियाएं, कभी अभी क्रियाओं को हम जुड़े भूमि नमस्कार भी रोज हमें करना चाहिए बारह क्रियाएं बारह योगासन रोज हम यदि करें और सूर्य नमस्कार भूमि नमस्कार भी करें बारह क्रियाएं योगासन सूर्य नमस्कार भूमि नमस्कार ये रोज करना चाहिए चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार के बाद भूमि नमस्कार एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस अब इसको सामने से दिखा देता हूं ये दस ग्यारह दाया पैर बाहर निकलेगा ग्यारह ग्यारह बारह वापस तेरा बाया पैर बाहर निकले चौदाह फिर से वापस पंद्रह पाद हस्तासन सोलह वापस हस्तोत्थानासन और सत्रह में अपनी स्थिति में वापस तो ये सोलह का अभ्यास भूमि नमस्कार इसको रोज करना चाहिए इसको जब रोज करेंगे तो हमारे सभी प्रकार से जो नसनाड़ियां हमारी हैं उन सभी नसनाड़ियों में अच्छा खासा व्यायाम प्राप्त हो करके वे सभी स्वस्थ बनती जाती हैं और जब ये स्वस्थ बनती हैं तो हमारे शरीर को हो गया तो तो सबको ये कुछ अभ्यास तो जरूर करना चाहिए अब हम देखेंगे बारह प्रकार के योगासन योगासन तो बारह जब हम देखते हैं उनको कैसे कैसे और कब कब करना चाहिए तो रोज सुबह आप सबसे उत्तम काल है सुबह योगासनों को करने का तो योगासन हमें करने चाहिए रोज सुबह खाली पेट करने का प्रयास करें पेट की सफाई अलग अलग पदार्थों से करने की बजाय अलग अलग चूर्णों को लेने की बजाय गर्म पानी रोज़ सुबह उठ के पिए थोड़ा सा चलें पाँच से दस मिनट टहलें गर्म पानी पीने के बाद और फिर आप अपने आप नेचुरली आपका पेट क्लीन हो जा, हो जाएगा शौच आदि की क्रिया टॉयलेट क्लियर फिर उसके बाद आप अपने योगाभ्यास को करेंगे तो अच्छा खासा फायदा होने लगे पहला पहला दंडासन में हम बैठ गए इस स्थिति को दंडासन कहते हैं दोनों हाथों को ऐसे रखें घुटनों के ऊपर श्वास पूरा भर के पैरों को आगे की तरफ खींचे पूरा खींचे थोड़ी देर रोके फिर श्वास छोड़ते हुए वापस ऐसा करें फिर से करें पूरा खींचे थोड़ा रोकें और वापस ले आए श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए हर क्रिया को करना स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर यह कार्यक्रम चलता है और रोज चलता है प्रतिदिन चलता है ऐसे तीन तीन बार कर लिया और फिर दाएं और बाएं भी ऐसे ही चलाएं, घुमाएं पूरा मोड़े पूरी शक्ति के साथ चलाएं, श्वास भरते चलाएं, श्वास छोड़ते हुए चलाएं। फिर एक पैर को आगे और दूसरे को पीछे ऐसे पूरा खींच कर रखें। चलते लगातार चलाएं। पैरों की जितनी समस्याएं हैं घुटनों के दर्द की एड़ियों के दर्द की और वेरिकोस वेंस की ये सारी धीरे धीरे कम होती जाएंगी अगर इनको रोज चलाया तो फिर गोल गोल चौथा अभ्यास गोल गोल घुमाएं गोल गोल घुमाना रोज गोल गोल पैरों को चारों तरफ घुमाए योग और यज्ञ करते करते जब हमारा शरीर शुद्ध पवित्र और सात्विक होने लगता है तो हमारे शरीर के जितने उपद्रव हैं वे कम होने लगते हैं और जब हमारे शरीर के उपद्रव कम होने लगते हैं तो हमें आरोग्य लाभ मिलता है शरीर में कुछ एनर्जी फील होती है और उस एनर्जी के कारण से आप जीवन के सभी पहलुओं का अच्छा लाभ उठा सकते हैं इसीलिए जीवन जिए तो स्वस्थ होकर के जिए स्वस्थ जीवन स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ जीवन का आधार होता है स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ जीवन का आधार होता है इसीलिए स्वस्थ शरीर बहुत आवश्यक है इसीलिए कहा भी गया पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख पास हो माया तीजा सुख कुलवंती नारी चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी पांचवा सुख सदन हो अपना छठा सुख सिर कोई ऋण ना सातवां सुख चले व्यापारा आठवां सुख हो सबका प्यारा नौवां सुख भाई और बहन हो दसवां सुख नवैरी स्वजन हो ग्यारवा मित्र हितैषी सच्चा बारवा सुख पड़ोसी अच्छा तेरवा सुख उत्तम हो शिक्षा चौदवा सुख योग्य गुरु से दीक्षा पंद्रवा सुख हो साधु समागम सोलवा सुख संतोष बसे मन पहला सुख निरोगी काया तो ये पंद्रह सोलह प्रकार के सुख होते हैं इन सब में इस निरोगी काया का बड़ा महत्व है इस निरोगी काया को यदि हम रखेंगे तो जाकर के ये बाकी के सुख अच्छे लगेंगे तो परिवार वाले हमें अच्छे लगेंगे तो हमारे को धन अच्छा लगेगा तो हमारे को अच्छी समृद्धि लगेगी तो हमारे को घूमना अच्छा लगेगा तो दूसरी बातें अच्छी लगेंगी तो भोजन भी अच्छा लगेगा शरीर को लग जाएगा पूरा हर तरह का भोजन आप कर सकते हैं मीठा भी लवणीय भी अम्लीय भी सब प्रकार का भोजन कर सकते नहीं तो कुछ बीमारियों में तो भोजन के ही मनाही कर दी जाती पहला पहला अभ्यास योगासनों के बारह योगासनों में सबसे पहला पहला योगासन सीख रहे हैं उसका नाम है जानू शिरासन ये रोज सबको करना है जिनके कमर में दर्द हो वो लोग मत करना बाकी सब लोग कर लेना एक पैर को ऐसे लगा लेना और श्वास को बाहर और धीरे धीरे आगे की तरफ ऐसे झुकना और झुकते 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 यूं पैर को पकड़ करके यूं ऐसे लगा कौन या जमीन से लगा दो वैसे तो एक हाथ ऐसे रखा जाता जानूशी रास ये जानूशी रास ये कर लेना रोज करना रुकना थोड़ी देर जल्दबाजी में वापस मत आना थोड़ी देर रुकना श्वास बाहर धीरे धीरे ऐसे हाथ पीछे और श्वास बाहर करके यूं लगा दिया माथा थोड़ी देर रुकना जानू शिरास इसी को दूसरे पैर से कर लेना ये वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यास बता रहा हूं जिनको हरी हरी नसें नीली नीली जो नसों की समस्या है जिन लोगों के पुरुषों में महिला में दोनों की हो जाती है गुच्छा का गुच्छा बन जाता दिख जाता है गांठ ऐसी दिखती है जैसे कोई इकट्ठी हो गई हो सारी नसें दूसरी तरफ से कर रहे हैं दूसरे पैर को श्वास पूरा बाहर ये केवल हर वायरस से मुक्ति नहीं डेली का रूटीन हेल्थ भी आपको देगा ये दस बारह प्राणायामों का पैकेज बारह आसनों का पैकेज ऐसे करते करते फिर एक हाथ ऐसे पीछे समेट श्वास बाहर रुका रहा है इसको ऐसा करना कि श्वास बाहर ही रुका रहा है थोड़ी देर रुका करो शुरुआत में तो पांच सात सेकंड रुकेगा फिर धीरे धीरे पूरा रुकने लगे दूसरा इसी में ही अभ्यास जिसका नाम है पश्चिम उत्तान आसन दोनों ही पैरों का अब जिनका पेट बीच में नहीं आ रहा होगा ट्रैफिक बीच में नहीं आ रहा होगा वे लोग तो इसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे और जिनका पेट बीच में आ रहा होगा रोज प्रयास करो करने का कैसे करो ऐसे करो श्वास बाहर और ऐसे करो बार बार ऐसे ले जाओ बार बार ले जाओ और ले जाते ले जाते एक दिन ये पैरों के पार शुरू में इतना जाएगा फिर इतना जाएगा फिर इतना फिर इतना फिर इतना और फिर यूं पकड़ में आ जाएगा श्वास पूरा बाहर और रोक करके रखना थोड़ी देर कोनिया जमीन से लगा देना ऐसे ऐसे पकड़ सकते हैं ऐसे पकड़ सकते हैं कमर दर्द वाले इसको मत कर लेना कमर दर्द में आगे झुकना मना है और हरनिया में पीछे झुकना मना है पीछे झुकना मना ये कुछ अभ्यास हमें नियमित रूप से करने की आदत डालनी चाहिए पहला रीढ़ की हड्डी दोनों तरफ घूमती हुई होनी चाहिए इतना लचीला शरीर होना चाहिए दाएं घुमाया बाएं घुमाया आगे घुमाया पीछे घुमाया कहीं घुमा दिया आपका शरीर हर तरह से तैयार होना चाहिए श्वास पूरा बाहर फिर से एक बार कर रहे हैं इसी को पश्चिम उत्तान श्वास बाहर रोक के रखें प्रयास करें ऐसे आधा मिनट आपने रोका फिर श्वास भरते भर के वापस आ जाए विश्राम रिलैक्स लंबे लंबे श्वास और आरामदायक स्थिति बहुत लंबे श्वास पर खूब लंबे श्वास पर अलग अलग आसनों से हमारे को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है अलग अलग योगासनों को करना चाहिए और जब भी हम योगासनों को करते हैं तो हमारे को अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है प्राणायामों को भी करना चाहिए इससे कि डेली की हेल्थ जो है वो हमें मिले डेली रूटीन हेल्थ अब केवल बीमारियों के लिए नहीं स्वस्थ बने रहे उसके लिए योगासन करना चाहिए चक्की चालन की क्रिया श्वास बाहर ये भी कमर के दर्द वाले जो है वो आगे झुकने वाला अभ्यास ना करके बाकी सब किया करें किया करें रोज करो डेली की प्रैक्टिस है ताकि पेट नहीं बढ़ने पाए ये पेट बढ़ने की समस्या बड़ी खराब है श्वास भरते हुए पीछे श्वास छोड़ करके नीओ आगे पूरा आगे चलो सभी लोग जिन अभ्यासों को कर सकते हैं बाकी के बच्चे हुए दस आसन हैं। तो वो कौन कौन से हैं? उनको देख लेते हैं। जिसको सभी लोग लगभग कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला है वज्रासन में बैठने वाले आसनों का अभ्यास तो वज्रासन में आप ऐसे बैठ जाएं, ऐसे आपको भोजन के बाद भी दस मिनट बैठना चाहिए इसलिए कहा भी है भोजन का हो अच्छा पाचन नित्य करे जो वज्रासन भोजन का हो अच्छा पाचन नित्य करे जो वज्रासन ऐसी वज्रासन की स्थिति पैरों की भी देख लीजिए कैसे होती है ऐसे एडिया ऐसे दोनों अंगूठों को आपस में मिला के रखना और सीधे होकर कमर सीधी सामने की ओर दृष्टि ऐसे रखना ये आपको वज्रासन की स्थिति बताई ये वज्रासन में बैठ करके कुछ आसन होते हैं कौन कौन से होते मंडू का आसन शशक आसन तो पहले मंडू को देख लेते दोनों हाथों के अंगूठों को ऐसे पहले सामने से देख लेते दोनों हाथों के अंगूठों को ऐसे रखें, अंगूठा अंदर बंद कर लें और अंगूठों का कुछ भाग बाहर निकला हुआ हो ऐसा श्वास ऐसे चिपका देंगे पेट पर लगाएं श्वास को पूरा बाहर छोड़ें और पूरा जब श्वास बाहर छूट जाए तो हम जब पूरा ही श्वास बाहर छूट जाए तो पेट को हम अंदर दबाएं पूरी तरह से अंदर दबा देंगे फिर धीरे धीरे आगे की तरफ चलें और आगे मुड़े और आगे झुके झुक जाए रुक जाए वही पूरी तरह से रुके और पेट को लगातार मुट्ठियों से अंदर दबाते रहे श्वास बाहर रुका रहे श्वास भरते हुए वापस आ जाए यह अभ्यास हमारा कहलाएगा मंडू का आसन मंडूक यानी मेंढक ऊपर से जब हम देखते हैं अपने आप को तो मेंढक की आकृति कुछ इसी प्रकार की दिखती है इसीलिए इसको कहते हैं मंडू कासन फिर से कर रहे हैं इसी को साइड से देख लेंगे इसमें आपको एड़ियों से अपने नितंबों को हिप्स को हील से टच करके रखना है ऐसे करेंगे दूसरी बार तीन तीन बार तो कम से कम करो स्वस्थ व्यक्ति भी तीन बार तो कम से कम करे श्वास पूरा बाहर ये होता है मंडू का ऐसे उठा लेते उठाना नहीं है। लगा के रखना। कुछ से होता ही नहीं है तो नहीं होता ऐसा तो नहीं है दस पंद्रह बीस पच्चीस दिन लगे रहो वो आसन पूरा सिद्ध हो जाए लगने लग जाएगा स्थिति बनने लग जाए एड़ियों को नितंबों से हमें टकरा के रखना है टच करके रखना फिर से करेंगे फिर से श्वास बाहर फिर से पेट अंदर मुट्ठियों को अंदर दबाए पेट के सभी अंग दबा दे ये हुआ जिसको हम मंडू का कहते हैं पूरा श्वास भर लेंगे दूसरा अभ्यास ये डायबिटीज के लिए था और पेट की और भी समस्याएं जिनको कब्ज होती है उनके लिए भी था अब हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस इन सब के लिए एक आसन है जिसका नाम है शशक आसन दोनों घुटनों को ऐसे फैला देंगे एक तो ऐसे होता है और एक होता है ऐसे तो ऐसे फैला देना दोनों घुटनों को ऐसे फैला दें दोनों हाथों को ऐसे रखें धीरे 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 आगे की तरफ आए पूरा खिसका करके आगे श्वास पूरा बाहर और ऐसे लगा देंगे थोड़ी सामने जमीन को लगी हुई दृष्टि सामने की ओर देखती हुई यदि आपके गर्दन में दर्द है सर्वाइकल स्पों की प्रॉब्लम है तो फिर माथा लगा लेना लंबी श्वासें भरते और छोड़ते हुए चलें और फिर से सामान्य कर लें फिर रोक देंगे श्वास बाहर निकाल के बाहर रोक देंगे पूरा शरीर ढीला छोड़ते जाए धीरे धीरे जैसे गए थे उसी प्रकार से वापस आए और रिलैक्स विश्राम पेट के बल करने योग्य कुछ आसनों को, को देख रहे हैं पेट के बल करने योग्य कौन कौन से आसन पहला अभ्यास जिसको हम कहते हैं मकर आसन साइटिका कमर दर्द स्लिप डिस्क बैक पेन सबके लिए और जो स्वस्थ है वे स्वस्थ ही बने रहेंगे एक को उठाए गोल गोल घुमाए श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए बड़ा शून्य लगाए बनाए बड़ा शून्य बनाए थोड़ा सा भी कम नहीं पूरा बड़ा शून्य लंबे लंबे श्वासों के साथ चले ऐसे ही दूसरी तरफ से भी इसको लंबा बड़ा शून्य ये स्वामी न्यूज का प्रत्येक दिन चलने वाला कार्यक्रम है फेसबुक पेज पर चलता है और यूट्यूब पर सुबह सात बजे चलता है ऐसे ही दूसरे पैर से भी चलाओ जो स्वस्थ हो अपनी कमर को अच्छा रख सकते हो अपने घुटने को अच्छा रख सकते हो अगर इस अभ्यास को रोज कर लिया तो लंबे श्वास के साथ चलो ज्यादा दिक्कत है तो धीरे धीरे चलो घुटनों में दर्द है या कटकट -कट की आवाज से दर्द होता है या कटकट -कट से दर्द होता है टकराने से दर्द होता है तो धीरे धीरे चलाओ लेकिन चलाओ जरूर और दिक्कत नहीं होती तो मध्यम गति गति से से बहुत तेज से तो बिल्कुल नहीं चला अब दोनों को उठा करके पांच बार ऐसे चलाओ दस दस बीस बीस बार दोनों से बारी बारी से कर लिया फिर इसको पचास बार तक ले जाया करो ये तो आज बिगिनर्स के लिए भी बता रहा हूँ जो नए लोग हैं वे भी जुड़ जाए योग से उनको भी वरना पहले दिन उनको बहुत सारा करा दिया तो उनके हाथ पांव दुखेंगे और थोड़ा बोरियत भी महसूस होगी इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके क्रियाओं को करेंगे अभ्यास में आ जाएगा तो फिर आप अपनी समस्या वाली जो प्रैक्टिस है समस्याओं को ठीक करने वाले जो योगासन है उनको आप ज़्यादा बार भी करके अपना अपनी स्थिति को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं अगला अभ्यास इसी में यूँ थोड़ी लगा देंगे और इन एडियों को ऊपर उठा करके नितंबों से पूरा बाहर बार बार, बार लगाएं, और लगा करके थोड़ी देर ऐसे रोके ऐसे रोके ये रोके ऐसे अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन का यदि यदि आप थक जाएं ऐसे मकरासन में आराम किया करें दोनों पैरों में भांसला और पंजे बाहर की ओर एड़ियां अंदर की ओर बिल्कुल ढीला छोड़ करके एक अथेली के ऊपर दूसरी और ऊपर माथा रख लो ऐसे करवट लेकर के आराम करो आंखें बंद लंबी लंबी श्वास से शरीर ढीला जब आप आराम कर चुके हो, फिर तैयार होकर के भुजंग आसन के अभ्यास कर रहे हैं श्वास पूरा भर के देखो दोनों हाथों को कंधों के कुछ नीचे की तरफ लगाएं और श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे ऐसे उठाएं और उठा करके थोड़ी देर रोक कर रखें मैं गिनती गिन रहा हूं तब तक रोकना एक दो तीन चार पाँच वापस श्वास छोड़ते हुए आ जाओ सभी प्रारंभिक साधक जो लोग बिल्कुल योगाभ्यास शुरू ही करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हमारा ये सत्र बड़ा उपयोगी है हमारे दर्शक लाइव बने हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन फिर से देख रहे हैं अब इसको 10 सेकंड की समय तक करेंगे जिनको कमर में पुराना दर्द है पीठ में भी है जिनका पेट भी सही नहीं रहता जिनको एसिडिटी भी रहती है इन सबके लिए बढ़िया अभ्यास बता रहा हूं भुजंग आसन श्वास पूरा भर के अंदर रोकें और उठाएं नाभि तक के भाग को ऊपर उठा लें दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो पहले हमने पांच बार रोका था सुबह छोड़कर वापस आ जाओ और अभी हमने बीस बार रोका अब दो बार और करेंगे हम एक बार आधा मिनट यानी तीस सेकंड और फिर एक मिनट यानी साठ सेकंड श्वास पूरा भरेंगे और अंदर रोकें एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौबीस सत्ताईस अट्ठाइस उन्तीस तीस श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए रिलैक्स इससे हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं इस आसन से जब फेफड़े मजबूत बनते हैं तो किसी प्रकार का वायरस हमारे अंदर सरवाइव नहीं कर सकता बढ़ नहीं सकता पनप नहीं सकता विकसित होकर के परेशान नहीं कर सकता हमें ये ध्यान रखने की बातें हैं कि कौन से आसन हमें रोज करने चाहिए, किन आसनों से हमारी इम्यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ बनेगी किन से हमारा विकास होगा अंतिम बार इस भुजंग आसन को अब हम कर रहे हैं वह भुजंग आसन एक मिनट तक रुकेगा इसीलिए थोड़ा बीच में आराम करवाया आपको श्वास पूरा भरें और पूरा श्वास भर के अंदर रोकें। अब उठाएं नाभि तक के शरीर को उठाएं पूरा मोड़े एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तीस भुजाओं में भी बल बढ़ जाएगा श्वास ज्यादा नहीं रोक सकते तो छोड़ दो फिर श्वास फिर बढ़ लो फिर रोक दो इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस सैतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तेयिस चौवालीस पैतालीस छियालीस सैतालीस अड़तालीस उनपचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौपन पचपन छप्पन सत्तावन वापस आ जाओ धीरे धीरे और रिलैक्स हो जाओ ऐसे बाल आसन में लंबे लंबे श्वास जो लोग ऑफिस में बैठते हैं उन सबको इन अभ्यासों को करना चाहिए जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं जो कंप्यूटर लैपटॉप आदि पर बैठ करते हैं, उनको भुजंग सेट करना चाहिए पहले पांच सेकंड, फिर बीस सेकंड फिर तीस सेकंड और फिर साठ सेकंड। ये भुजंग आसन आपने कर लिया तो आपकी रीढ़ की हड्डी आपको कभी परेशान नहीं करेगी इसी को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं दूसरी तरफ दूसरी करवट लेट करके ये लगातार कंप्यूटर पर बैठने वालों के लिए तो विशेष प्रकार के आसन हैं उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा नहीं तो कंप्यूटर पर बैठ बैठ करके जो रेडिएशन आती है स्क्रीन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वे सारी हमारे शरीर को दुष्प्रभावित करती है हमारे शरीर की शक्ति को जीवनीय शक्ति को रेजिस्टेंस पावर को सब को डिस्टर्ब करती है ये अभ्यास दूसरा अभ्यास हम अगला देखते हैं ये भुजंग आसन भुजंग आसन के बाद हम चलते शलभ आसन में तो शलभ आसन का अभ्यास कैसे होगा दोनों हथेलियों को अपने जंगाओ के नीचे रखें श्वास पूरा भरें अंदर रोकें और दाएं वाले पैर को ऐसे ऊपर उठा लें थोड़ी देर रोक कर रखें खींच कर रखें श्वास अंदर रहेगा और आंखें करने में बंद और पैर ऊपर टिका रहेगा नहीं टिक पा रहा तो हाथ से सपोर्ट देवे दोनों हाथ वैसे भी आपकी जंगाओं के नीचे है ही तो हाथ का सपोर्ट दे करके हाथ को ऊपर उठा ले जंगा को सपोर्ट देवे और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले ये हुआ एक बार शलभासन एक पैर से अब इसी को दूसरे पैर से कर रहे हैं श्वास फिर से भरें अंदर रोकें और धीरे धीरे शलभहासन का अभ्यास ऐसे करें आप नहीं रुक उठा पा रहे हैं तो ऐसे हाथ का सपोर्ट दे दें। मदद मिलेगी सहायता मिलेगी ऐसे और अगर बिना हाथ के सपोर्ट के आप उठा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ इस शलभासन को रोज करना पेट के लिए पीठ के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए और जिनका पेट बढ़ावा उनके लिए भी सबके लिए अच्छा है फेफड़े भी मजबूत बनाएगा फिर दोनों को एक साथ उठाना श्वास भर के उठाओ थोड़ी जमीन पर रहेगी छाती जमीन फिर श्वास छोड़ते वापस आ जाओ एक हाथ सामने दूसरा शलब आसन एक हाथ पीछे श्वास भर के उठाओ ऐसे श्वास छोड़ते वापस आ जाओ एक हाथ के साथ दूसरा पैर उठा रहे हैं, ऐसे ही श्वास भर के फिर दूसरे हाथ से दूसरे पैर से तीसरा अभ्यास जलभाषण का सभी को मैं एक एक बार इसलिए कर रहा हूं कि प्रारंभ में तो एक, -एक दो 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 बारी करें फिर दोनों हाथों को ऐसे पीछे लें एक कलाई को पकड़े दूसरे हाथ से श्वास भर के ऐसे उठाए पैर पास में रहेंगे केवल हाथों से आगे की तरफ से ऐसे उठाए अपर पार्ट को जितनी देर रोक सकें रोकें जैसे कोई नकेल खींचता है घोड़े की ऐसे अपने हाथों को खींचें थोड़ी देर रोके प्रसन्नता पूर्वक करें फिर वापस आ जाए श्वास छोड़ दे अब दूसरे हाथ से पकड़े फिर श्वास पूरा भर के फिर उठाए फिर रोके थोड़ी देर रोकने के बाद वापस आ जाए विश्राम फिर बालासन में आराम कर लें। तो बहुत थक जाएं तो ही बालासन में आराम करना नहीं तो थोड़ी-थोड़ी के बाद अगर आपके अंदर ऊर्जा है तो उसका पूरा प्रयोग करके अगले अभ्यास को किया करो अब आ जाएंगे दूसरी तरफ यानी पीठ के बल लेट जाएंगे कुछ आसन रोज करने चाहिए नाभि धरन जो खिसक जाती है अपने स्थान से नाभि की धड़कन खिसक जाती है उसको कैसे ठीक करते हैं कुछ आसन होते हैं जैसे अभी हमने भुजंग आसन किया उससे ठीक होती है अभी शलभ आसन किया उससे ठीक होती है और अभी हम जो उत्तान आसन करेंगे उससे भी ठीक होगी ये तीन आसन कर लोगे तो आपकी किसकी भी नाभि वापस अपनी जगह पर आ जाएगी धड़कन को अनुभव कर पाओगे नाभि की धड़कन भी होती है दोनों हाथों को ऐसे लगाना सबसे महत्वपूर्ण तो आसन तो उत्तान आसन है नाभि के लिए श्वास पूरा भरें और पंजों को ऐसे खींच करके दोनों पैरों को 30 टू 45 डिग्री होल्ड करें एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ दस इस उत्तान इस उत्तान पादसन को हम देख रहे हैं इस उत्तान पादसन में दोनों पैरों को ऐसे खींच कर रखना श्वास भर के अब हम ज्यादा देर अभी हमने 20 सेकंड टिकाया था आप ज्यादा देर के लिए टिकाएं आप कम टिका सकते हो कम टिकाएं लेकिन करना जरूर आपको लगता है कि मैं इतना करके पांच सेकंड में वापस नीचे आ जाता हूं लेकिन फिर इसको पांच सात दस बार कर लेना और ज्यादा बार टिका सकते हो तो आपको फिर दो तीन बार टिकाना चलिए करते श्वास सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तीस वापस श्वास छोड़ते अब सबसे नहीं रुकता इतना थर्टी डिग्री ये ऊपर तो रुक जाता है यहाँ ऊपर की बात नहीं है यहाँ पर की बात हो रही है यहाँ पर टिकना ये बड़ी बात है। लंबे लंबे श्वास फिर रिलैक्स हो जाए लगातार चलते रहेंगे एक आसन के बाद थोड़ा आराम फिर दूसरा आसन ऐसे करें लगातार तो आपको शरीर में एक एक जगह स्ट्रेंथ पैदा हो जाएगी स्ट्रेंथ मतलब शक्ति शक्ति पैदा होगी शरीर में शक्ति कौन नहीं चाहता अगला अभ्यास दोनों पैरों को ऐसे पास में रख लेने मरकट आसन सभी ऑफिस में जाने वाले रहने वाले रुकने वाले बैठने वाले पास में कर लेंगे और उन सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण आसन है जिसका नाम है आसन मर्कट आसन को देखें कैसे होता है पहले हमने दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लिया थोड़ा और बीच में करके देखा दोनों हाथों को ऐसे कंधों के बराबर में खोल लिया दोनों घुटनों को एक तरफ झुकाएंगे श्वास को बाहर छोड़ेंगे गर्दन को दूसरी ओर झुकाएंगे आंखें बंद और मन को टिका के रखेंगे कमर पर और जिनके पेट में समस्या है उनको पेट पर टिकाना जिनको टमी लूज करना है उसको अपने पेट पर बड़े हुए पेट पर टिकाना आंखें बंद करना श्वास बाहर छोड़कर रखना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस वापस श्वास भरते हुए आ जाए ऐसे ही दूसरी तरफ को आ जाओ फिर श्वास बाहर दूसरी तरफ लगाओ इन घुटनों को जमीन पर और गर्दन को दूसरी ओर हथेलिया कंधों के बराबर में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस वापस आ जाओ ऐसे थोड़ी थोड़ी देर टिकाना बीस सेकेंड तीस सेकेंड एक एक मिनट तक यदि टिकाएंगे तो एकदम से फायदा होता है लेकिन व्यक्ति करता क्या है ये किया और एक दो सेकेंड पांच सेकेंड रुका और यह वापस आ गया इससे कोई विशेष फायदा होता ही नहीं है इसलिए आपको फायदा चाहिए तो होल्डिंग रखनी पड़ेगी अब दोनों पैरों में फासला रखो एक घुटने को दूसरे पैर से और दूसरा घुटना जमीन से ऐसे श्वास पूरा बाहर ऐसे लगाए और गर्दन दूसरी ओर श्वास बाहर होगा कमर पर मन को टिकाए आंखें बंद रखे मरकट आसन का दूसरा पोज हर आसन को दो दो तीन तीन बार कर लेना मैं केवल एक या दो बार करके बता रहा हूँ जिस दाएं पैर वाला किया तो बाएं पैर वाला भी करना ऐसे नहीं कि केवल एक पैर से कर लिया दोनों पैरों से दोनों घुटनों से ऐसे ही दूसरी तरफ से श्वास बाहर और गर्दन दूसरी ओर घुटने एक ओर मन टिका के रखें कमर पर और लगातार टिका के रखें एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह श्वास भरते वापस आ जाए ऐसे करें ये कुछ आसनों का अभ्यास है वैसे तो तीसरा भी होता है मर्कट आसन ये पूरा हाथ पकड़ में पैर दूसरे हाथ में पकड़ में यूं आता है लेकिन अभी प्रारंभिक साधकों के लिए इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये सबसे नहीं हो पाता तो वो दो ही पर्याप्त हैं दो ही कर लेंगे तो उसी से अच्छा खासा रिलीफ आपकी कमर में आ जाएगा और आपकी कमर जब अच्छी होगी आपका पेट जब अच्छा होगा तो आपके लिए आरोग्य आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा आरोग्य आपके शरीर में स्थित हो जाएगा ये वैसे तीसरा अभ्यास था अगला अभ्यास जिनको कमर और पेट की समस्याएं है रहती हैं उन सबके लिए हम आपको पहला जानू शिरासन बताया इसके बाद पहले हमने सूर्य नमस्कार बताया फिर जानु शिरासन, फिर पश्चिम उत्तानासन फिर मंडू फिर शशक आसन ये हमने चार आसन बैठ करके के किए लेट करके हमने मकर आसन भुजंग आसन शलभासन तीन किए चार और तीन सात और अब हम कर रहे हैं आठवां अभ्यास जिसको हमने उत्तान आसन किया नौवां अभ्यास अभी मर्कट आसन का कर रहे हैं और दसवां एक और योगासन हम सीखेंगे कुल मिला के दस योगासन आप रोज कर लेंगे फिर प्राणायाम कर ये दस योगासन वैसे बारह योगासन है एक खड़े होकर के हमने ताड़ासन की तरह से थोड़ा सा किया और एक सूर्य नमस्कार या दो को मान लो तो आप सूर्य नमस्कार और भूमि नमस्कार को मान लीजिए तो ऐसे करके ये दस अभ्यास हो जाएंगे ऐसे दोनों पैरों को ऐसे रखें पास में नितंबों के और आपस में बहुत सारा गैप नहीं रखना थोड़ा सा गैप रखना ऐसे हाथों को यूं हाथों से यूं पकड़ लेंगे कस करके श्वास पूरा भरे और धीरे से उठाएं एडियों को ऊपर नहीं उठाना दोनों कोनिया जमीन पर दोनों एडिया जमीन पर कमर ज्यादा से ज्यादा ऊपर और अधिक ऊपर करने का प्रयास कस कसके रखें हाथों से कसके पकड़े श्वास पूरा अंदर अधिक से अधिक ऊपर रोके ये है कंधरासन इसको ब्रिज पोष या सेतु आसन भी कहते हैं और जिनमें शक्ति अच्छी बनी बनी हुई हो वो ऐसे कमर के नीचे हाथों का सपोर्ट लगाए और धीरे धीरे इन ऐसे पैरों को सीधा कर लेंगे इसको पूर्ण सेतु बंदासन कहते हैं ये सेतु बंदासन ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है पूरी पीठ और कमर को मजबूत बनाता है ऐसे वापस ले आओ इस सेतु बंदासन को इस कंधरासन। ये कंधरासन में भी थोड़ी देर रोक के रखा करो, फिर वापस आ जाओ ऐसे रोज का अभ्यास आपको इन दस आसनों और एक सूर्य नमस्कार एक भूमि नमस्कार से रोज करना चाहिए। सारे संसार के जितने भी भोग हैं उन सब का आनंद आएगा अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर थोड़ी देर ऐसे शवासन में शरीर ढीला छोड़ करके आराम कर लेना लंबे लंबे श्वास भरना शरीर ढीला पैरों में थोड़ा फांसला और कमर की थोड़ी सी दूरी पर हथेलियां आकाश को देखती हुई गर्दन को इधर या उधर दाएं या बाएं ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें इस तरह से इस शरीर को ढीला छोड़ते हुए आरामदायक स्थिति में रखें प्रसन्नता के साथ रहें। लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें ये बारह आसन यदि हम करेंगे हर प्रकार के वायरस को आने से पहले ही हम उससे रक्षा कर सकते हैं अपनी लेकिन ये पहले ही करना पड़ेगा ऐसे नहीं सोचना कि कभी हम कोविड से संक्रमित तो हो जाएंगे तीसरी वेरिएंट से तो ही जाकर के हम इसको अभ्यास करेंगे नहीं आपको पहले इसका अभ्यास करना चाहिए जिससे कि आप पहले से ही फिट रहे बी फिट अजमेर नाम की एक थीम चलाई थी स्वामी न्यूज ने उस बी फिट अजमेर में योग के बारे में आपको मैंने ही प्रेरित किया था मैंने ही सबको संदेश दिया था कि रोज व्यक्ति को योगासन और प्राणायाम दंड के और ध्यान का अभ्यास करना ही चाहिए इतना करने के बाद थोड़ी देर जब आप आराम मिल जाए आपको फिर आपको ऐसे हथेलियों को घर्षण करके गर्म करना वैसे भी सर्दियाँ हैं गर्म हथेलियाँ शरीर में गर्मी लाती हैं और धीरे धीरे अपनी अखों आँखों पर पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे से इनके भीतर से अपनी आँखें खोलें और फिर दाई अथवा बाई करवट से उठ करके बैठ जाएं। ये आज आपको आसनों का अभ्यास बताया अब इस आसनों के अभ्यास के बाद में आपको प्राणायाम करना चाहिए और थोड़ा सा कुछ क्रियाओं को कैसे जैसे किसी से पद्मासन आदि नहीं लगता सिद्धासन नहीं लगता स्वस्थिक आसन नहीं लगता तो बैठने की कुछ क्रियाएं कईयों से तो जमीन पर ही नहीं बैठा जाता एक एक घंटा आधा घंटा भी नहीं बैठा जाता पंद्रह मिनट भी नहीं बैठा जाता किसी से बैठा ही नहीं जाता छोटे छोटे बच्चे होते मैंने देखा उनसे यूं हालती पालती ऐसे नहीं लगती है ऐसे करके बैठते हैं बड़ा सिस्टम ऐसा बिगड़ गया कि बैठना भी स्थिति बन नहीं पा रही तो नहीं बन रही तो आप थोड़ा ऐसा करें थोड़ा एडियो को और अंदर की तरफ ले जाएं, अब इधर से पकड़े श्वास भरे ऊपर उठाए पूरा और श्वास छोड़े फिर नीचे ले जाए पूरा पूरा ऊपर पूरा उपर, पूरा नीचे भद्रासन का इस गति चालन वाला अभ्यास पूर्वक चल रहे हैं। लगातार चल रहे, हैं। श्वास भरते, श्वास छोड़ते। फिर ये आगे खिसक गए फिर पीछे ले लो पूरा जमीन पर लगाने का प्रयास करो ऐसे ये लग गए ऐसे फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ करो और फिर एक पैर को ऐसे उठा करके यहाँ रख लो और फिर इस एक घुटने को अपने छाती से लगाने की कोशिश करो श्वास पूरा बाहर छोड़ करके ऐसे ताकत के साथ लाओ पूरा छाती से लगाए दबाए थोड़ी देर रोके और फिर वापस श्वास भरते हुए इसको नीचे ले जाए जमीन से लगाने का प्रयास कर फिर दूसरे से भी ऐसे ही कर लेंगे दो दो तीन तीन बार कर लिया करें अभी तो एक ही बार बता रहे श्वास बाहर पूरी शक्ति के साथ इसको छाती से लगाने का प्रयास करें फिर पूरा श्वास भर के ऐसे जमीन से लगाने का प्रयास फिर भी आसन नहीं लग रहा फिर अपने ही बच्चे को अपनी गोद में ऐसे। श्वास बाहर पीछे जाए श्वास भर के वापस ऐसे चलाए दूसरे तरफ से अब लगाने की कोशिश करें देखो अब थोड़ा और अच्छा लगेगा फिर जिनका लग जाए तो फिर प्रयास करते रहना ऐसे पदमासन में लगाने का पदमासन एक अच्छी स्थिति होती है योग के लिए यदि हम इसको करते हैं तो हमारी टांगे हमेशा मजबूत बनी रहती है श्वास भरते हुए भस्त्रिका को गहरे लंबे श्वास और गहरे ही प्रश्वास को लंबे ही प्रश्वास को हम करते हैं इसमें इस प्राणायाम को कहते हैं भस्त्री का श्वास पूरा गहरा भर है ऐसे 20 से 50 बार जिनके पास समय अच्छा हो वो 100 बार गहरी श्वास से भरना और बारी से बार बारी श्वास से बाहर छोड़ना ध्यान मुद्रा को लगाना जिनको दर्द है शरीर में वो वायु मुद्रा को लगाना जिनको थायराइड है वे लोग अपने शून्य मुद्रा को लगाना बीच वाली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा लेना जिनके मसूड़े कमजोर है जिनके कानों में समस्या है किसी भी प्रकार की कम सुनाई देता है बहरापन है कानों की आवाजें आती है या फिर कानों में या फिर कान बहता है किसी भी प्रकार से या कानों में दर्द है किसी भी प्रकार की कानों की समस्या हो तो इस वाली मुद्रा को लगा लेना थारॉयड हो तो इस मुद्रा को लगा लेना मसूड़ों में या दांतों में कोई दिक्कत हो तो इस मुद्रा को लगा लेना बीच वाली उंगली सबसे बड़ी वाली उसको अंगूठे की जड़ में पंद्रह बीस मिनट इसको लगा के रखना तभी फायदा होगा सूर्य ये पृथ्वी मुद्रा जिनके पेट की गड़बड़ी हो पेट में समस्याएं हो इस पृथ्वी मुद्रा को लगा के करना ये देखो पृथ्वी मुद्रा जिनका पेट बड़ा हुआ है वो सूर्य मुद्रा केवल इन मुद्राओं से नहीं फिर खान पान में और भी दूसरी चीजों में ये तो थोड़ी सी मदद करती है ऐसे नहीं कि आप सोचो कि अब योगाभ्यास नहीं करेंगे खाली मुद्रा करेंगे योग तो करना है खान पान में भी कंट्रोल करना है और आपको इन मुद्राओं का भी अभ्यास थोड़ी सी मदद करेगा ये मुद्रा फिर यह वरुण मुद्रा ये देखो ये ये है पृथ्वी मुद्रा इससे घटा हुआ वजन भी बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ घट जाता है यानी कि बैलेंस हो जाता है पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं पाचन शक्ति अच्छी सक्रिय बनती है तो यह हुआ हमारा पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास और इसी को यदि हम इसी उंगली को यदि हम अंगूठे की जड़ में ले जाएंगे तो यह सूर्य मुद्रा हुआ जो लोग बैठे ही हैं जिनको योग के लिए समय ही नहीं है तो अपने ऑफिस में या कहीं पर भी बैठे हो तो इस सूर्य मुद्रा को आधा आधा एक एक घंटा लगाया करो अपने काम भी करते रहो और इस हाथों को हाथों से मुद्रा भी लगाते रहो एक हाथ से काम करो दूसरे से लगाओ कुछ तो फायदा होगा ये सूर्य मुद्रा ये वजन बढ़ने नहीं देती बड़े हुए को भी घटाती है ये शरीर में गर्मी बढ़ाती है ध्यान रखना जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम हो जिन लोगों को खांसी जुकाम बार बार हो जाता हो ठंड लग जाती हो उन लोगों को इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए ये बलगम को सुखाती है जैसे एंटीबायोटिक होती है इसी प्रकार से वो एक दिन में काम करती है दस दिन में करेगी लेकिन ये बलगम को कफ को सुखाती है अगला अभ्यास यह वरुण मुद्रा या जल मुद्रा इसको यदि सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर को अगर अंगूठे की ऊपर टॉप पर लगाएंगे ऊपर के भाग पर लगाएंगे तो इसको कहते हैं जल मुद्रा या फिर वरुण मुद्रा इससे शरीर में होने वाली जो पानी की कमी से जो बीमारियां हो गई हैं पानी की कमी से किडनी की प्रॉब्लम हो गई है पानी की कमी से जितने भी डिजीज़ होती हैं उन सब के कॉम्प्लिकेशन दूर होते हैं उसके अलावा त्वचा चमकदार चमकीली अच्छी और नरम अच्छी बनती है चिकनी बनती है तो अच्छा अच्छी बनी रहती है नहीं आती शरीर में अगर हम इस मुद्रा को दें तो ये आपको ध्यान रखना है ये मुद्राएं हैं तो ध्यान मुद्रा वायु मुद्रा आकाश मुद्रा या शून्य मुद्रा पृथ्वी मुद्रा सूर्य मुद्रा और यह वरुण मुद्रा फिर जिनको अपने नाभि से नीचे के जितना भी भाग है पेल्विक रीजन उनसे संबंधित समस्याएं मूत्र के मूत्रावरोध पेशाब अटक अटक के आता है पेशाब में जलन होती है अथवा तो कोई धातु रोग है सेक्सुअल डिजीज है उन सबको ऐसी अपान मुद्रा लगानी चाहिए इन दो बीच की उंगलियां हैं इन दोनों को ऐसे अंगूठे के ऊपर के भाग से ऐसे लगाए इसको कहते हैं अपान मुद्रा इस अपान मुद्रा को लगा करके आप अपने नाभि के नीचे के सभी पूरे भाग के जितने भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं आराम पा सकते हैं धीरे धीरे प्राणायाम भी करना लेकिन और इनको भी लगाना और क्या करना है इसके साथ में जो पेल्विक रीजन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सक्रेटरी सिस्टम की जितनी समस्याएं हैं अगर उनको आपको दूर ही करना है तो और मुद्रा योग से ही दूर करना चाहते हो योग से वापस शक्ति पाना चाहते हो अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाना चाहते हैं तो अपान मुद्रा लगाना और बाह्य प्राणायाम करना श्वास को पहले भरना और फिर मूलबंद लगाना गुदा द्वार को यानी कि एनस को अंदर खींचना और फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ देना और फिर पेट को अंदर खींचना ये दो भागों को अंदर खींच लिया है ना? गुदा द्वार को खींच लिया और पेट को खींच लिया श्वास पूरी बाहर रोक दिया हाथों से अपान मुद्रा और थोड़ी को ऐसे जालंधर बन ऐसे अंदर लगा देना जब सामर्थ्य पूरा हो जाए घबराहट होने लगे तो फिर धीरे धीरे वापस आ जाना श्वास भर लेना फिर से देखते हैं इसी को श्वास थोड़ा भरे मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचे पुरुष अगर कर रहे हैं आदमी लोग कर रहे हैं तो सिद्धासन में करें सिद्धासन यानी एक एडी को अपने मलमूत्र के द्वार के पास लगा लेना और दूसरे पैर को ऐसे टकने को टकने से लगा करके ऐसे फंसा देना और पहले वाले को ऐसे निकालना ये पुरुषों के लिए सिद्धासन है इसमें लगाएं श्वास पूरा बाहर पहले भरे मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचे फिर पूरा श्वास बाहर छोड़े और पेट को अंदर खींचे जब घबराहट होने लगे तो तीनों बंदों को छोड़ करके श्वास को भर लेना पहला है मूल बंद जब गुदा द्वार को अंदर खींचते हैं तो मूल बंद कहलाता है जब पेट को अंदर खींचकर चिपका के रखते हैं तो तो और जब ठोड़ी को यहाँ पर लगाते हैं हैं तो जालंधर कहते है। ये अभ्यास तीन से पांच बार रोज कर लेना और अपान वायु मुद्रा अपान मुद्रा लगा करके जिनको हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम है हार्ट की उनको अपान और वायु मुद्रा अपान वायु मुद्रा लगानी चाहिए अपान यानी कि इन दो उंगलियों को अंगूठों से यूं लगा दिया और एक पहली वाली अंगूठी को ऐसे अंगूठे से लगा दिया ये हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है जिन्होंने स्टंट डलवाए हैं जिन्होंने वॉल्व डलवाए हैं जिन्होंने पेसमेकर लगवाया है जिन्होंने एनजियो प्लास्टिक बाईपास सर्जरी कुछ भी करवाया है हार्ट की कई सारी समस्या होती है और कई सारी प्रॉब्लम्स के कई कई ऑपरेशन होते हैं उन सभी ऑपरेशन वाले या फिर जिनका हार्ट कमजोर है जिनका दिल कमजोर है थोड़ी सी बात से चिंता हो जाती है थोड़ी सी बात से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस अपान और इस वायु इस अपान वायु मुद्रा को पूरा लगाना और एक अंगुली जो बच गई उसको सीधा कर लेना और इसको लगा लेना अपने घुटनों पर तो इस अपान वायु मुद्रा को लगाने से हमारे शरीर में जो हृदय है उसकी गति सामान्य होने लगती है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी है वो भी घटने लगता है सामान्य होने लगता है घटा हुआ है वो बढ़ने लगता है सामान्य होने लगता और इसको करके आपको आप यदि एक हाथ से जैसे आप राइट साइड से करें क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ हमारा ये हार्ट झुका हुआ होता है तो आपको लेफ्ट वाले तरफ तो से वाला हाथ उठाना है और इससे प्राणायाम करना है अनुलोम विलोम और इस राइट वाले से आपको करना है इस अपान वायु मुद्रा को ये तभी लेफ्ट साइड में काम करेगी लेफ्ट से करेंगे तो राइट में काम करेगी दोनों से करेंगे दोनों तरफ काम करेगी तो आपको अभी लेफ्ट में काम करना है यानी हार्ट के लिए करना चाह रहे इसीलिए राइट से लगा के रखें लेफ्ट वाले हैंड से ऐसे ऊपर उठाएं हाथ को और प्राणायाम करें एक नाक को बंद करें दूसरे से श्वास गहरा भर लेंगे अब इसको बंद कर लेंगे दूसरे से बाहर फिर इससे भरें पर बहुत गहरा भरे ये तो मैं थोड़ा सा आपको प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ इतना गहरा कि इसके बाद गहरा भरने की कोई गुंजाइश ना बचे ऐसे ही इधर से गहरा पूरा लंबा प्रश्वास बाहर निकालना है फिर इससे भरना फिर इससे बाहर निकालना इस क्रम को चलते रहने देना बिना रुके करना लगातार करना है इस अनुलोम विलोम को इस अपान वायु मुद्रा में क्योंकि हार्ट की जितनी भी कमजोरियां हार्ट की प्रॉब्लम है जो हृदय रोग की दवाइयां ले रहे हैं वे सभी लोग इस अपान वायु मुद्रा को लगाएं और प्राणायाम अनुलोम विलोम आधा आधा घंटे तक करें उन सब के लिए ये हार्ट को बल देने वाला हृदय के लिए बलकारी प्राणायाम है यह है और यह बलकारी मुद्रा है हृदय के लिए तो इसको जरूर करना सब लोग करना और जिनका हार्ट मजबूत है वे इस ध्यान मुद्रा को लगा लेना करना ये सब आवश्यक चीजें हैं आज के इस विशेष पैकेज रविवार के में आपको बहुत सारी चीजें बताई फिर ध्यान कर लिया करो ये अनुलोम विलोम का अभ्यास पांच मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे आठ मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट ऐसे आधे घंटे तक ले आए और जिनको गंभीर असाध्य रोग हैं कैंसर जैसे रोग हैं एड्स जैसे रोग हैं तमाम तरह के और गंभीर बीमारियां हैं कहीं पर ग्लैंड है कहीं पर गांठे हो गई है कहीं शिष्ट हो गई है ब्रेन में शिष्ट हो गई है अथवा चेस्ट में सिस्ट हो गई है या फिर पेट में हो गई है या फिर शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई है इन सब के लिए एक एक घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर किया करें इससे सब तरह के शरीर की सारी गांठे घुल जाती है कपाल भाती भस्त्रिका और अनुलोम विलोम से बहुत कुछ होता है बहुत कुछ होता है तो बहुत कुछ हुआ है करोड़ों लोगों का आपका भी होगा सब लोग आप योग करें करें योग रहे निरोग श्वास पूरा भर के भ्रामरी का अभ्यास कर रहे हम्म से श्वास पूरा भरें जब ये तीन बार भ्रामरी हो जाए तो अपने हाथों को घुटनों पर ले आना ध्यान मुद्रा में और आंखें बंद रखना आंखों को एकदम से भ्रामरी के बाद खोलना नहीं श्वास पूरा भरे मुख से ओंकार

अपने इष्ट देव को अपने परमात्मा को जो निराकार सर्व जगत में व्यापक है सर्व व्यापक परमेश्वर है उसका स्मरण करें जो हम सबके इस जीवन को धारण करने में हमारी सहायता कर रहा है जो हमारी आत्मा के भी भीतर स्थित है ऐसे परमात्मा का चिंतन करें और उसी के प्रति समर्पण के भाव रखें और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखे जैसे उसने हम पर उपकार बहुत किए इसीलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए और धन्यवाद के भाव दोनों हाथों को जोड़ लेंगे सर्व मंगल कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ॐ शांति शान्ति शान्ति सर्वेभ्यो नमः अपने हथेलियों को अपने आंखों पर लगाएं तो दीरे दीरे खोले। और धीरे धीरे आंखें खोलें और जोरदार ऐसे एक्यूप्रेशर करके सारे पॉइंटों को दबा दिया करें और हंसा करें गहरी श्वास भर के ठहाका लगाना संकोच सारे संकोचों को छोड़कर सारी चिंताओं को छोड़कर श्वास भर के ओ सब रोगों की एक दवाई हंसना सीखो मेरे भाई श्वास भर के ओ फिर से श्वास भर के ओ ऐसे खुश रहना प्रसन्न